सारी समस्याओं से सर वाकिफ नहीं होंगे, यहाँ कई वर्षों से परीक्षा नहीं हो रहा है। ये आज यहाँ पर छोटा भाई और बड़ा भाई सर चार चार साल, जो छोटा बड़ा था सेशन में, वो आज एक बराबर पे आके खड़ा है। चार साल पांच साल का अंतर हो गया है। फर्स्ट ईयर जो 18-21 है वही कंप्लीट नहीं हुआ है। 18-21 वाला अभी सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर का एग्जाम रिजल्ट नहीं हुआ सर। 18-21-19 सेशन समझ गया। कुलपति महोदय को मैं पूर्ववर्ती छात्र होने के तरफ से और अपने बिहार प्रदेश छात्र जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मैं मगध विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा सर का स्वागत करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। और सर के लिए मैं कुछ चंद लाइनों के माध्यम से मैं परिचय करना चाहूंगा कि सुबह लिखता हूं, शाम लिखता हूं, सुबह लिखता हूं, शाम लिखता हूं, मंजिल लिखता हूं, मुकाम लिखता हूं, वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब मैं गणित के विद्वान प्रोफेसर केसी सिन्हा सर का नाम लिखता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर मैथ्स के बहुत ही जाने माने गणितज्ञ है। देश विदेश में मतलब सर का लोग ऐसे भी लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते जरूर सर का किताब अनुकंपा पे बहाली हो गई। और इसमें कुछ शिक्षक भी हैं, कुछ नॉन टीचिंग भी है, कॉलेज के भी हैं और पीजी के भी हैं। तो आशीर्वाद लेने के लिए आया सर, फाइल यहाँ आ चुकी है, जब समय मिलेगा तो देख लीजिएगा। अनुकंपा पे बहाली होने अनुकंपा समिति की एक बैठक सर, उसी बैठक में निर्णय लेंगे। फाइल आएगी सर, तो फाइल पे अपडेट दे दीजिएगा सर। सर देवेश जी एबीवीपी के कैंपस के अध्यक्ष हैं सर, और मैथ्स के भी हैं सर ये। जी धारियों का अधिकार विलंबित है, बहुत तो लोग तो मर गए, पैसे का अभाव नहीं मिल रहा है। आप जैसे भी हो यह स्थल है जो दैनिक शक्ति का है, वहाँ जाइए। और मैं यहाँ इसी स्थान से 50 वर्ष की साधना पूरी की। बड़े सुलझे हुए छात्र नेता हूँ, मेरा दीपक कुमार नाम हुआ सर। आप भी एक मिनट बोल दीजिए शॉर्ट में। सबसे पहले सर इस विश्वविद्यालय में सर आपका हम लोग हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यह विश्वविद्यालय बहुत दिनों से एक शिक्षाविद कुलपति महोदय का तलाश में था, तो आज आप उस रूप में आज विश्वविद्यालय में आपका आगमन हुआ है, इसलिए हम लोग सब लोग जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सर मगध विश्वविद्यालय के अंदर में, पूरे बिहार के अंदर में और मगध विश्वविद्यालय के अंदर में एक अलग सा एक ये दूसरा देश बन गया है। आप सारी समस्याओं से सर वाकिफ भी होंगे, यहाँ कई वर्षों से परीक्षा नहीं हो रहा है। ये आज यहाँ पर छोटा भाई और बड़ा भाई सर चार चार साल, जो छोटा बड़ा था सेशन में, वो आज एक बराबर पे आके खड़ा है। चार साल पांच साल का अंतर हो गया है। फर्स्ट ईयर जो 18-21 है वही कंप्लीट नहीं हुआ है। 18-21 वाला अभी सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर का एग्जाम रिजल्ट नहीं हुआ सर। 18-21-19 सेशन समझ लीजिए, 18-21-19-22 20-23-21-24 और 22-25 सर, इस तरह के सेशन सब जस के तस है। विश्वविद्यालय में कर्मचारी शिक्षक सभी की जरूरत तभी पड़ती है जब विश्वविद्यालय में छात्र रहेंगे। यहाँ से सर लगातार छात्र माइग्रेट हो रहे हैं बहुत तेजी से, क्योंकि हम लोग विश्वविद्यालय से इलेक्टेड रहे हुए हैं, सीनेट में हैं कई वर्षों से, तो लगातार समस्या से हम लोग वाकिफ होते हैं। सब लोग एक परिवार है एक तरह से, कुलपति या कुछ पद है जिसमें बदलाव होते हैं, लेकिन बाकी सब यहाँ स्थायी परिवार हैं जो जुड़े रहते हैं। सब लोग एक ही बात सर आपके सामने रखा है कि सर विश्वविद्यालय बेपटरी से हो गया, उसको पटरी पर लाने का काम किया जाए। तो सर से निवेदन होगा कि सर थोड़ा सा समय अपना देते हुए सभी अधिकारियों और प्राचार्यों के सहयोग से परीक्षा का सर जो सबसे बड़ा समस्या है और डिग्री का जो सबसे बड़ा समस्या है, इसका सर आप समाधान निकाल देंगे। यहाँ भगवान के रूप में सर आपको लोग देखने लगेगा, केवल ये डिग्री और परीक्षा का। मेरे जितने भी सभी ने वीडियो को तीन वीडियो क्लिप देखे होंगे, VC से आगमन से लेकर यहाँ तक छात्र के हित तक लास्ट वीडियो था और हम हित में लास्ट वीडियो था। और हम आपको बता दें, जिनको भी मेरे वीडियो से तकलीफ होता है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, बट जो मेरा कर्तव्य है मैं अपने कर्तव्य के प्रति जैसा भी हो स्टूडेंट के हित में जहाँ थोक में चैनल से मदद मिलता है मैं सभी लोगों को मदद करूँगा। और ये वीडियो लास्ट हो गया VC साहब का, अब जो वीडियो आएगा मैं ब्लॉग्स पे आप देखते रहिएगा, सभी चीज़ का अपडेट आएगा। और हम बता दें
कि जो है जो वीडियो में दिखाए हैं, जो रिकॉर्ड किया गया है, सभी वीडियो को आपके पास हम रख दिए हैं। बहुत लोगों का ये भी बात होगा कि ये प्रॉपर उसका आदमी है, इसका आदमी है, उसका आदमी है, तो मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। मैं एक छात्र हूँ और छात्र नेता के प्रतीक भी नहीं बोलता, मैं एक छात्र हूँ। मुझे एक छात्र में ही रहने दीजिए, आपसे ही मैं गुजारिश है। बस आप सभी से मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जितना जल्दी से जल्दी आप पीजी करवाइए, क्योंकि इसके आगे भी कोई दुनिया है। आप यहीं तक मेरा दुनिया नहीं है, मुझे और भी आगे कुछ करना है। तो मैं बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ। सब लोग कहते हैं कि तुम पढ़ो भाई, कब तक आदमी पढ़ेगा? आप ही बता सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद 18 में ग्रेजुएशन फाइनल होता है, 15-18 सेशन मेरा है। 18 में ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी कर रहा हूँ मैं, ये पीजी हो जाए उसके बाद मैं बीएड का फॉर्म भर सकता हूँ, समझे? तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन, गुरु जी जितने भी लोग आते हैं, सब लोग स्टूडेंट भी बहुत लोग कहते हैं कि ये अब यूनिवर्सिटी का एक प्रॉपर आदमी हो गया है, यूनिवर्सिटी के बारे में सत्य सत्य को दिखाता है। जो रहता है भाई, मैं आपको सभी चीज़ से वाकिफ कराता हूँ, और जो होता है वास्तविकता होता है, मैं वास्तविकता वीडियो बनाता हूँ, आप वास्तविकता लोगों के बीच में, लोगों के पास दिखाता हूँ जहाँ से हो। बट मैं आप सभी स्टूडेंट से ही कह देना चाहता हूँ लास्ट बार कि आप धैर्य रखिए, कुछ बहुत जल्दी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगा। मेरे चैनल के माध्यम से नहीं तो पेपर के माध्यम से कहीं से भी आएगा, तो आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा। और हम बता रहे हैं, और दूसरी बात है, रिजल्ट को लेकर सभी लोग भावुक हैं, तो रिजल्ट भी आएगा, समझे? कुछ कंट्रोलर साहब बोल रहे हैं, और जब आप सब बोलते हैं कंट्रोलर साहब का एक वीडियो प्रॉपर बना के लाए, तो जहाँ भाई देखिए, हम वो ऑफिसर सर हैं, उनसे हम परमिशन ले सकते हैं। जहाँ वो परमिशन देंगे, आज्ञा देंगे, तभी तो उनका वीडियो बना सकते हैं, समझे? बट जहाँ तक मेरा सपोर्ट रहेगा मेरे द्वारा, हम पूरा जोर शोर से आपके बीच में करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आप सब। मेरा ये चैनल चलाने का मतलब यही है कि आप सब जितने भी मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप इससे सब जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक इसे बड़ा बनाइए, फिर देखिए जहाँ तक होगा मैं आपको वहाँ तक अपने चैनल से सभी को मदद करूँगा। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए इन्फॉर्मेशन के साथ और नए ऊर्जा के साथ, नए लोगों के साथ। बाय बाय, टेक केयर। तो आप सब वीडियो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।